हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी जयपुर के पास और मेरे साथ हैं अभी अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं अब्दुल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल भाई, अभी अपन कौन से गांव के अंदर है? अभी अपन हाउंडिया में दूदू के पास। दूदू के पास में है ये गांव और जिला जयपुर पड़ता है। ठीक है, जयपुर सिटी यहां से कितना दूर होगी? यहां से 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर दूर जयपुर है जी। और कब से कर रहे हैं आप ये बकरों का शौक? ये हुए 12-13 साल। दादाजी के टाइम का ही है, पर जब हम बच्चे थे 12-13 साल अपने खुद को हो गए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? बकरे बच्चे लेके पालते हो क्या? बड़े भी लाते हैं और बच्चे भी रखते हैं, दोनों। साल भर ट्रेडिंग करते हो या सिर्फ एक टाइम साल में? नहीं नहीं, साल भर, पूरी साल भर बकरे ही रहता है अपने पास। ओके, इसके अलावा और कोई काम है अपना या बकरे का ही काम है टोटल? बकरे का ही काम है और सर्दी थोड़ी बहुत मजदूरी चल जाते हैं बस। ओके, तो कितने बकरे पालते हैं आप? अभी अपने पास 20 बकरे हैं। 20 बकरे हैं माशाल्लाह। तो 20 के 20 बकरे गुजरी के अंदर या दूसरी ब्रीड भी है कोई? गुजरी, सिर्फ गुजरी। गुजरी के अलावा और कोई ब्रीड नहीं रखते आप? तो ऐसी क्या खास बात है गुजरी में? वैसे तो अपन गुजरी के गढ़ में खड़े हैं। तो आप ऐसे मतलब है, जैसे अपन एक बकरा सोजस से लाएंगे तो लोग बाग एक बकरे को यहाँ थोड़ी देखेंगे, वो सोजस से उठा लेंगे। सही बात है। इसके लिए जो गुजरी का गढ़ है तो गुजरी होना चाहिए। सही। और गुजरी में भी सबसे अच्छी क्वालिटी में, आप खुद देख रहे हो आपके सामने बकरा। चलिए ठीक है, तो बकरा दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही बकरे से स्टार्ट करूंगा जो आपके हाथ में। इसका नाम भी है कमान वाला बोलते हैं इसको। कमान वाला जी, इसकी कमर के अंदर कमान है इसलिए इसका नाम कमान वाला। जैसे इसका नाम कमान है। ठीक है, तो भाई डिटेल क्या है इसकी? इसकी 133 किलो वजन है इसका। 135 किलो वजन है। 33। तो आपने कांटा किया हुआ है? कांटा किया हुआ है। अगर कोई भी कांटा चाहेगा तो कांटा यहाँ है, कांटा करके बताएंगे। कांटा करके दे देंगे। 133 केजी जो है बकरा आ रहा है। हाइट कितनी होगी बकरे की? हाइट इसकी 40 से 41। 40 से 41 इंच के बीच में हाइट है। बीच में हाइट है। और दांत कितने लगा लिए? दांत 8 दांत कर लिए सादा पे। ओके, तो ये बकरा भराई पे या सेल्फ फीडिंग? नहीं, सेल्फ फीडिंग में। भराई नहीं करते आप लोग? नहीं जी, कभी आज तक की भी नहीं? आज तक कभी भी नहीं किसी ने, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, गुजरी जानते भी नहीं भराई का काम, और हमारा तो सेल्फ फिटिंग का काम है। सही है। तो भाई बताइए इसकी कीमत क्या है बकरे की? कीमत तो सादा भाई फोन से बता देंगे जिसको भी। अभी तो क्या है, देखिए बकरा ईद का सीजन चल रहा है, लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए के बकरे का भी प्राइस बता रहे हैं। नहीं वो तो सही है, पर वाजिब रेट है, कोई ज्यादा वो नहीं है। 133 किलो वजन है, जो भी फोन से कर देंगे। अभी आपके पास कोई आएगा भाई जी? वैसे तो सिटी में भी हर जगह पे जानवर मिल रहा है, मेन बम्बई गढ़ के अंदर भी जानवर मिल रहा है जी, जी। और वो लोग रेट खोल के बेच रहे हैं। अब आपके पास इतनी दूर आके जानवर इंसान क्यों लेगा? तो वो वजन उसको फर्क दिखना चाहिए ना, रेट के अंदर, क्वालिटी के अंदर जी। तो अब्दुल भाई एक कम से कम हमें एक एवरेज बताओ आप, इतनी दूर हम आए। अब ये शादाब भाई, ये 100 प्लस के हैं टोटल बकरे जो बाहर खड़े हैं ना, इनमें सब जो उधर ये दो बकरे छोड़ के वो उधर इधर ले रहा है उन्होंने, ये सब 100 प्लस के हैं, तो लाख से स्टार्ट होंगे। मतलब लाख के आसपास के बकरे हैं जितने। अब ये 133 है, ये 114 किलो है। चलो इसको बकरे को छोड़ दो, जाने दो आप जी, इसको चलने दो अपनी मर्जी से। इसके बाद ये बकरा आगे लेके आओ, ये चाचा पकड़े हैं जो, आराम से पकड़ो उसको, खींचो मत जी। इस बकरे की हाइट बताओ, वेट बताओ। इसकी 41 हाइट है। वेट कितना होगा? 114 किलो। दांतों में पूरा हो गया? दांतों में 8 दांत पूरा। चलो ठीक है माशाल्लाह, अपन एक एक बकरे की डिटेल जानेंगे पकड़ के। ठीक है, जाने दो उसको भी भाई। इसके बाद ये बकरा आगे लेके आइए। ये अंडू ले गया? नहीं, कसी। थोड़ा लेट पंच किया है आपने? हाँ लेट, पर है कसी का काम, अपना अंडू का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो रुबाब है जैसे चेहरा आप यहाँ करो, पलटी का बकरा ही है चेहरा उसका, आंडू बकरों की तरह ही है, अभी भी लटक भी है। अभी ताजा ही करें इसमें। अच्छा, डिटेल क्या है इसकी? इसकी 115 किलो है। ओके, हाइट ये 41 ही है। ओके जी, ठीक है, छोड़ के दिखाओ उसको भी आप, चलेगा अपनी मर्जी से खुद। ये छोटे साइज के भी हैं? ये दो छोटे साइज के। पहले बड़ा दिखा दो आप मुझे, डिटेल बताइए इसकी। दादा भाई ये 106 किलो वेट है इसका। 106 किलो वेट है। हाँ, और 41 प्लस हाइट है। 41 प्लस की हाइट। हाइट भी नाप ली आपने? सारे हाइट नाप ली, और हाइट नाप के दिखा देंगे, अगर जो भी चाहेगा ना उनको नाप को दिखा देंगे। ठीक है ठीक है। हाँ ओके, जाने दो। और उसके बाद ये छोटा बकरा है, ये इतना गर्मी में क्यों आप रहा? ये अभी धूप में बाहर निकले ना, पंखे उनके लग रहे हैं, धूप देखो ना 45 है अभी यहाँ पे। 45 45 चल रही है। ठीक है, 44-45 चल रही है। डिटेल बताइए। ये 80 किलो।
80 किलो है जी। और हाइट इसकी? हाइट 38 होगी इनकी। दांतों में कितना हो गया? दांतों में 6 दांत है, ये भी 6 दांत है, ये वाला भी 6 दांत है। इसका वजन कितना है? इसका 75 किलो, इसका 80 किलो। ठीक है, तो ये तो लाख से कम के होंगे ना बकरे? हाँ, ये लाख से। ठीक है, जाने तो भाई दोनों बकरों को। माशाल्लाह, बताइए भाई डिटेल इसकी। ये 111 किलो तो वेट है इसका। पलटा के खड़ा करो आप इसको जी। 111 किलो वजन आ रहा है जी। 40 हाइट, 40 की हाइट है। प्योर खस्सी बकरा है ये? प्योर खस्सी है, गुजरी है। गुजरी के अंदर जी। ठीक है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी कदकाठी के अंदर जानवर। गुजरी में बहुत अच्छी नायाब चीज है। ठीक है, ये देखो, ये भी बिल्कुल रुबाबदार जो है खस्सी है। और माशाल्लाह, बताइए डिटेल इसका। 114 किलो वेट है। 114 किलो वेट आएगा। हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट 41 प्लस है इसकी। 41 प्लस, तकरीबन सभी बकरे जो है 41 के आसपास। 41 प्लस है, दो बकरे और 41 है। ठीक है, और नापी हुई है इसकी भी हाइट। ओके ओके, ठीक है, जाने दो भाई इसको भी। एक बकरा ये भी बहुत अच्छा निकाला अब्दुल भाई। ये देखो हाइट इसकी, पालने वाला बच्चा है, हाइट भी बहुत बढ़िया है। 42 हाइट है इसकी। 42 हाइट है। और वजन कितना होगा? वजन इसमें 100 किलो है। इसका तोला हुआ नहीं है? इसका तोला नहीं है, आपने अंदाज से बता रहा हूँ 100 किलो होगा जी। पर दिखा देंगे काठे में। छोड़ो ना उसको, चलने दो अपनी मर्जी से। इस तरह अभी 8 दांत करे इसने अभी। छोड़ो छोड़ो उसको। ठीक है, जो बकरे बच रहे हैं अभी वो दिखाओ आप। ये सादा भाई 120 किलो है। 120 किलो, आराम से पकड़ो उसको, आड़ा करो उसको आड़ा। ये 120 किलो वजन है। हाइट कितनी है इसकी? हाइट 40 है इसकी। ओके, और ये बताना चाहोगे कि ये सारे बकरे जो हैं अभी कितने टाइम से आप पाल रहे हो, कितना वक्त हमारे पास होगा इनको? 10 महीने। 10 महीने हो गए। तो 10 महीने पहले ये बकरा कितने किलो पे आया था आपके पास? ये बकरा था अपने पास 80 किलो में, मतलब 2 किलो कम था 80 से। ओके, और आप कहाँ से लेके आए थे इसको? हम जंगल से लेते हैं। जंगल से लेके आके फिर आप पालते हैं? हाँ, 10 महीने हो गए हमारे अपने पास बकरा। इसके जेस्ट पास वापिस आके खरीदारी हो जाती है। ठीक है, ओके, जाने दो उसको भी, इसके बारे में भी। ये 119 किलो का है। 119 किलो उसका वजन, अपन ने चेक किया हुआ है ना जी। ठीक है, और हाइट इसकी भी 40 के आसपास। 40 ही है। ठीक है, जाने दो भाई। उन बकरे ये लियो। तो अब्दुल भाई अभी बकरे समझ में आ रहा है जब खुद चल फिर के दिखा रहा है कि क्या क्वालिटी है। गुजरी में क्वालिटी है, एक नंबर, एक नंबर की क्वालिटी है। अब किसी को भी भाई बकरा लेना है गुजरी का तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। वैसे ज़्यादातर बकरे जो हैं इसके अंदर पलटी वाले भी दिख रहे हैं, और कुछ बकरे जो हेवी कर दिए, जैसे 135 किलो का वो बकरा है तो वो कुर्बानी के हिसाब से एक नंबर है अभी। और आपने जो है रेट भी एक क्लियर कर दिया कि 1 लाख रुपए के आसपास के जो है जानवर है ये। और ट्रांसपोर्ट के लिए आप बता सकते हो क्या क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा इंशाल्लाह? कहाँ कहाँ कर सकते हो ट्रांसपोर्ट आप? ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा जी। ठीक है, वैसे अभी कहाँ कहाँ आप माल बेच चुके पहले? अभी बेंगलोर गया हुआ है, मुंबई गया हुआ है, और बिहार में पटना गया हुआ है, और सूरत तो जाता ही है, सूरत वालों को तो डिलीवरी फ्री है। ओके, एक टारगेट बता सकते हो साल भर में कितने बकरे बेचते होगे आप? साल भर में 40 बकरे रखते हैं। 40 बकरे बेचते हो आप बाहर? बस टोटल इतना ही है अपने पास। नहीं, सेलिंग कितनी करते होगे ओवरऑल? नहीं, 40। ओके, 40 मतलब 40 है इसमें से। अब ये 10 बकरे बढ़े हैं अपने पास। कुछ बकरा बिक गए अपने पास। ठीक है, कुछ बकरे बिक गए और ये कुछ अभी बचे हुए हैं। अपन ने एक एक बकरा जो है अब्दुल भाई इंडिविजुअली पकड़ पकड़ कर दिखा दिया है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई बकरा पसंद आता है तो सीधा स्क्रीनशॉट निकाल के आपको व्हाट्सएप पे भेज दे। और खास करके सूरत वालों को डिलीवरी फ्री है, क्योंकि बकरे बिकते हैं ना तो भी मैं सूरत जाता हूँ हर साल। 10 साल हो गए मुझे। सूरत क्यों जाते हैं आप? सूरत अपने क्या कि जो छोटा माल है ना, हाँ, उसको सूरत ही लेके जाते हैं। ओके, सूरत ले आके सेल करते हो आप जी? सचिन मंडी जाते हैं, मोहसिन खान साहब। मोहसिन खान साहब के पास जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो अभी ये सारे जानवर अब्दुल भाई अपन ने देख लिए और आपने डिटेल्स तो हमें पूरी बता दी, उसके साथ साथ एक रेट का भी आइडिया दे दिया जी, जी। तो अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जी, तो जी। वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे जी, जी। तो अगर कोई गांव में आना चाहता है तो एड्रेस आप बता सकते हो कैसे आएगा आपकी गांव में? मतलब यहाँ से जयपुर आ जाओ और जयपुर से 45 किलोमीटर अपना गाँव है। ठीक है, जिसमें पहले फागी आएगा सिटी में, फिर अपना गाँव में आउंडिया। ठीक है जी। ठीक है अब्दुल भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।